आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 से 22 का बजट पेश कर रही हैं। साथ ही इस बार बजट में कई पुरानी प्रथाएं टूटेंगी। ये देश का पहला पेपरलेस बजट है, यानी ये पूरी तरह से डिजिटल है। ये पहली दफा है जब बजट कॉपी की छपाई नहीं हुई। सरकार ने पेपरलेस बजट का फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। हालांकि मोदी सरकार शुरुआत से ही डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है और इसी कड़ी में अब सरकार इसकी शुरुआत करने जा रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है कि बजट पत्रों को प्रिंट नहीं किया गया। सरकार द्वारा शुरू की गई ये पहल एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इससे पहले ही दो और राज्य डिजिटल बजट पेश करने की शुरुआत कर चुके हैं। इस डिजिटल बजट का मुख्य उद्देश्य इसे आम जनता तक पहुंचाना है। बजट को लोगों तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम यूनियन बजट मोबाइल ऐप है। इस ऐप को आम जनता और संसद सदस्यों को बजट की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप को एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें, देश का पहला बजट 1947 में छापा गया था। उसके बाद बजट पेश करने की एक परंपरा रही है। हर साल बजट दस्तावेज की छपाई होती थी और सील बंद कर इसे ट्रक से संसद भवन लाया जाता था। पहले एक चमड़े के ब्रीफकेस के साथ वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के सदन में ब्रीफकेस लेकर जाने की परंपरा को भी खत्म कर दिया था और वो उसकी जगह पिछले साल वही खाता लेकर गई थी। इसके अलावा 2016 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। उसी साल बजट की तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया था। साल 1999 तक बजट की घोषणा फरवरी महीने के लास्ट वर्किंग डे के दिन होती थी और इसे शाम 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह के 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।